आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर अदालत तीन तलाक को गैर आईनी और नाजायज करार देती हो तो वह मुसलमानों में तलाक और शादी के मामलों को बाजाबता बनाने के लिए एक कानून बना सकता है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस जे एस केहर की सरबराही में पांच जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच से यह बात कही। बेंच ने कहा कि वह फिलहाल तीन तलाकों के मामले पर गौर कर रही है। अदालत ने कहा कि मुसलमानों में कसरत अजदवाज और निकाह हलाले के मामलों पर बाद में गौर किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल फी लीटर 2 रूपये 16 पैसे जबकि डीजल फी लीटर 2 रूपये 10 पैसे सस्ता हुआ है। बैनुल अक्वामी बाजार में तेल की कीमतों में कमी और डॉलर के मुकाबले रूपये की कदर में इजाफे के पस मंजर में यह फैसला किया गया है। स्कूली तलबा की फीस की वसूली के मौजूदा कानून में जल्द ही तरमीम की जाएगी। नीज किसी भी इदारे को मनमानी फीस वसूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्कूली तलबा की फीस में इजाफे की 18 स्कूलों की शिकायत थी जिसमें से कल पूना में 13 स्कूलों के मामलों की समाअत वजीर तालीम विनोद तावड़े की मौजूदगी में अमल में आई। समाअत के बाद तावड़े ने सहीफनिगारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। तावड़े ने कहा कि अगर स्कूलों का मैलान नफाखोरी की जानी पाया गया तो ऐसे इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरियासना स्कूली तलबा से मनमानी फीस वसूल करने के खिलाफ कल सिस्कॉम नामी तंजीम ने हुकूमत को एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। कल मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिस्कॉम के सदर राजेंद्र धारनकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूली तलबा की फीस के जवाबित पर नजरसानी के लिए यह रिपोर्ट अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि फीस पर नजरसानी के साथ साथ इस रिपोर्ट में स्कूलों के मियार में इजाफे के लिए भी सिफारिशात की गई है। रियासत के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस अस्पतालों में मरीजों के दाखिले की गुंजाइश की मुनासिबत से असातिज़ा का तकर्रुर और तलबा के दाखिले की गुंजाइश में इजाफे की हिदायत वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दी है। वजीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को हुक्म दिया है कि इस ज़िम्न में 3 माह के अंदर अंदर एक्शन प्लान पेश किया जाए। वजीर आला ने मरीजों की तादाद के लिहाज से डॉक्टरों की दस्तियाबी और मरीजों की बेहतर देखभाल के मकसद से यह फैसला किया है, लिहाजा इस पर जल्द अमल दरामद के लिए इकदाम किए जाएंगे। ये बात मेडिकल एजुकेशन के वजीर गिरीश महाजन ने कही है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए हुक्काम लोकशाही दिन का इंतजार न करे, ये बात वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कही है। वह कल मंत्रालय में ऑनलाइन अवामी शिकायत सुन रहे थे। वजीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि इससे पहले के लोकशाही दिन में फैसल किए गए लेकिन इल्तवा में पड़े मामलों को आइंदा 3 दिनों के अंदर अंदर निपटा जाए। कल मंत्रालय में इस मौके पर औरंगाबाद, परभनी और बीड़ समेत रियासत भर के 130 मामलों की समाअत हुई। रियासत के किसानों को सहारा देने और उन्हें माशी एतबार से खुद कफील बनाने के लिए कर्ज माफी की नहीं बल्कि कर्ज एजाज से नजात की जरूरत है, ये बात शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने कही है। किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए शिवसेना की जानिब से रियासत भर में शिव संपर्क मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत उद्धव ठाकरे कल अकोला में किसानों की एक रैली से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना किसानों के मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है और किसानों को इंसाफ दिलाने तक शिवसेना अपनी मुहिम जारी रखेगी। जनाब ठाकरे ने कहा कि अगर जरूरत हो तो शिवसेना हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक भी चलाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को हिदायत दी है कि वह अपने सिस्टम अपडेट करने के बाद ही एटीएम खिदमात को बहाल करे। बैंकों के एटीएम्स को आलमी साइबर हमले से महफूज रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम इस हमले से मुतासिर हुए हैं और बहुत सारा अहम डाटा लॉक हो गया है। सिस्टम को खोलने के लिए तावान मांगा जा रहा है। इसी बीच इत्तिलाआती टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत पर हालिया आलमी साइबर हमले का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ है। बीड़ जिले की परली जरई मार्केट कमेटी के इंतखाबात में असेंबली में ऐवान बाला के हिजब इख्तलाफ रहनुमा धनंजय मुंडे के पंडित अन्ना मुंडे शेतकरी विकास पैनल ने 18 में से 14 डायरेक्टर्स की निशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। वजीर देही तरक्यात पंकजा मुंडे के गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विकास पैनल को सिर्फ 4 निशस्तों पर ही इक्तफा करना पड़ा। इलाकाई खबरें खत्म हुई।